ट्रेडर्स, होप आप सबका दिन आज अच्छा रहा होगा और आप सबके ट्रेड अच्छे गए होंगे। तो चलिए समझते हैं कि मार्केट ने आज पूरा दिन कैसा बिहेव किया और मंडे को मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है, वो भी हम समझेंगे। तो इसके लिए हम आ गए हैं निफ्टी 50 के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और जैसा कि मार्केट आज हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ था, जो कि ओपन हुआ था अराउंड 22,075 के आसपास, और उसके बाद मार्केट अपने इस सपोर्ट को जो है 22,097 का, इसको रिटेस्ट करता है और ब्रेकआउट भी देता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। उसके बाद मार्केट एक नीचे के साइड का बेरिश मूव देता है और उसके बाद मार्केट अपने नेक्स्ट जो है वो सपोर्ट को रिटेस्ट करता है, जो कि है 21,959 का। और यहाँ पे हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया था आज निफ्टी 50 में। उसके बाद निफ्टी 50 पूरा टाइम साइडवेज था इस सेम जोन में, आप जैसा कि देख सकते हैं। और उसके बाद भी मार्केट ने जब इस जोन का ब्रेकआउट दिया तो उसके बावजूद भी अच्छा मूव नहीं आया। तो अगर बात करें ओवरऑल मार्केट में आज निफ्टी 50 के, तो ओवरऑल आज निफ्टी 50 में हमारे सेटअप के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं बना था। एक ये ट्रेड था बट इसमें जो है SLV थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए इसको हम ट्रेड कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो आज निफ्टी 50 में एक भी हमारा सेटअप नहीं बना था और हमने निफ्टी 50 में एक भी ट्रेड नहीं लिया था। तो चलिए समझते हैं निफ्टी 50 मंडे को कैसा बिहेव कर सकता है। इसके लिए हम पहले 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। जैसा कि हमने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है और आप जैसा कि देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है वो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट पे है और इसने कल जो है बुलिश मोमेंटम दिया था बट आज ये बेयरिश था। तो यहाँ पे अभी भी निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और जिस दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा, जो कि है 21,958 का, तो उस दिन जो निफ्टी है वो और नीचे आ सकता है और बेरिश मूव दे सकता है। बट जब तक कि सपोर्ट पे है तब तक हमें ज़्यादा बेरिश के लिए नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेरिश नहीं होना चाहिए तब तक हमें इस पे। और जो है निफ्टी मंडे को सेम जोन में ओपन हो सकती है या तो हल्का सा गैप अप भी ओपन हो सकती है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसलिए मार्केट मंडे को थोड़ा सा गैप अप या सेम लेवल पे ओपन हो सकती है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बार देख लेते हैं वापस से कि मंडे को ये कैसा बिहेव कर सकती है। जैसा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है और प्रीवियसली इस लेवल का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो लेवल है 21,961 का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। तो मार्केट जब तक इस लेवल को अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं देती है तब तक हमें ज़्यादा बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर बात करें बुलिश मोमेंटम की, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, जो ये लेवल है अराउंड 22,097 के लेवल को ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देती है तब तक मार्केट में कोई बुलिश मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि उसके बावजूद भी इस जो जोन में ये यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन है। तो अगर ओवरऑल बात करें जब तक मार्केट 22,187 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तो हम काफ़ी अच्छा मूव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 में। और अगर नीचे के लेवल की बात करें तो जब तक 21,936 के लेवल को क्रॉस नहीं करती है तब तक हम इसमें बेरिश मूव भी अच्छा खासा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत से ज़्यादा चांसेस हैं कि निफ्टी जो है वो नेक्स्ट वीक भी साइडवेज ही रहेगी मोस्टली, जब तक ये इन दोनों लेवल के ऊपर या नीचे क्लोजिंग नहीं देती है। चलिए एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। जैसे कि हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और जैसे कि बैंक निफ्टी भी आज गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद एक बुलिश मोमेंटम आया और इसने ये जो लेवल है अराउंड 46,775 का, इसको रिटेस्ट किया और वापस से एक बेरिश मोमेंटम दिया था।
यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है वो यहाँ पे एक सेटअप बना था, बट हमने इस पे ट्रेड नहीं किया था। इस सेटअप पे जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट बेरिश मोमेंटम दिखाया, बट इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे आपका एसएल जो है वो बहुत छोटा होता और टारगेट काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता। यहाँ पे एक सेटअप था बट हमने इसको ट्रेड नहीं किया था। हमने जिस सेटअप पे ट्रेड किया था वो था ये, हमने यहाँ पे जब मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया 46,546 के, तो हमने यहाँ पे अराउंड एंट्री बनाई थी जिसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मोर देन 1:2 था और इसको मार्केट ने अचीव भी कर लिया था। हालांकि हमने सबको इस पॉइंट पे अराउंड 46,373 पे बोला था कि सब अपनी पोजीशन क्लोज कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को मार्केट कुछ टाइम के लिए यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उसके बाद वापस से रिवर्स हो गया और एसएल पिट हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज बुक कर ली थी। और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट फिर उसके बाद इस जोन में पूरा टाइम कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, बट कोई अच्छा मूव नहीं आया। तो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल दो ट्रेड बने थे, जो एक मॉर्निंग में बना था अराउंड 9:25 की कैंडल पे, वो हमने नहीं लिया था, और हमने जो ट्रेड लिया था वो लिया था अराउंड 10:10 की कैंडल पे। 10:10 की कैंडल क्लोज होने के बाद जो उसके 10:15 की रनिंग कैंडल थी उसमें हमने ट्रेड लिया था 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, और जो हमारा इसमें एसएल था वो था अराउंड 46,561 का। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि मंडे को ये कैसा बिहेव कर सकती है। तो इसके लिए हम पहले डे टाइम फ्रेम को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये बैंक निफ्टी है ये भी एक सपोर्ट पे है, जो कि इसका ये सपोर्ट है अराउंड 46,594 का, जहाँ पे आज इसने क्लोजिंग भी दी है। और आप देख सकते हैं इसने विक का फॉर्मेशन किया है और ये एक इनडिसेसिव कैंडल बना रही है, और अगर मार्केट इस लेवल पे सस्टेन करती है तो आने वाले कुछ वीक्स में हम अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं, और अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है अच्छी खासी बेरिश कैंडल के साथ तो हम इसमें और करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अगर इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें तो इसके लिए एक बार हम वापस से 5 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं और समझते हैं। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का ये जो लेवल है 46,273 का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है क्योंकि मार्केट ने आज पूरा टाइम इस लेवल पे सस्टेन किया है। और प्रीवियस में चेक करते हैं, प्रीवियस में तो दूर दूर तक अभी कोई दिख नहीं रहा है, तो ये जो लेवल है अराउंड 46,276 का, ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम कोई अच्छा बेरिश मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर बात करें बुलिश मोमेंटम की तो मार्केट जब तक इसमें इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, जो कि है 46,771 का लेवल, तब तक कोई अच्छा मूव इसमें अपवर्ड बुलिश मोमेंटम के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर ये इसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन भी है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो जब तक बैंक निफ्टी 47,228 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो अच्छा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं मंडे को ट्रेडिंग हाउस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट अस प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.finstaravenue.com, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।